क्या हुआ आज? अरे कुछ नहीं बाबा, क्या फालतू गिरी है बॉलीवुड की, मतलब कुछ भी चल रहा है इनका साला। अब क्या हुआ? अबे देखना, सेम स्टोरी सेम सॉन्ग, लिरिक्स तो इस प्रकार से लिखे जाते हैं ना जैसे कि साला इनको बिना पैसे का लिरिक्स लिखने के लिए बोला गया हो। हाँ, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सही या फेविकॉल से साला इतना आलसी लिरिक्स कौन लिखता है बे? मतलब कुछ भी, कुछ नहीं, ये बॉलीवुड का चुतियापा है जो हम झेल रहे हैं और हम देखे जा रहे हैं। बस हम ही को समझना चाहिए क्या देखना है क्या नहीं देखना है। हाँ, अभी वो टाइगर श्रॉफ की मूवी आई ना, वो क्या था नाम उसका, बागी 1, बागी 2, बागी 3। साला हर मूवी ना कोई किडनैप होता है और ये अकेला पूरी पुलिस फोर्स पे भारी पड़ता है, ऐसा दिखाया जाता है, मालूम है क्या? हाँ, ये अकेला सब पुलिस पे भारी पड़ता है और सबको कूट देता है, शायद उसको असली पुलिस क्या है पता नहीं है। हाँ, शायद उसको असल जिंदगी में पुलिस क्या होती है मालूम नहीं होगा। सुशील, असली पुलिस से याद आया, तशरीफ कैसी है रे तुम्हारी, उस दिन लाठी की जो खाए थे गांड पे? अबे वो तो अच्छा है कि राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना इन जैसे एक्टर्स है जो कि स्क्रिप्ट पढ़ते हैं पहले कि क्या मूवी है, देखते हैं स्टोरी लाइन क्या है, उसके बाद मूवी साइन करके मूवी बनाते हैं और अच्छी मूवी बनाते हैं। लेकिन लोगों को उनकी मूवी नहीं देखनी है, उनको तो बस देखनी है भाईजान की दबंग। अब तुझे पता है क्या, वो तो कॉमन स्टोरी है बॉलीवुड की, हर बॉलीवुड मूवी में विलन उठा के ले जाएगा हीरोइन को और इसको जाके छुड़ाना है, उसके बाद उनकी शादी होती है, मूवी खत्म। हाँ ना साला, मतलब कुछ भी चल रहा है बॉलीवुड में और हम देखे जा रहे हैं। हाँ यार, और हमारे चूतिया लोग वही देखेंगे जैसे तू बोल रहा है। हाँ, वो भी जो हीरोइन की आवाज सुन के जलती हुई चिता से हीरो उठ के आ जाता है भागते हुए, क्या मतलब रियलिटी कहाँ है इसमें, साइंस कहाँ है, साइंस की तो लगा दी तुम लोगों ने। तो फेक दिखाने की तो हद होती है साला, छह छह गोली खा के भी हीरो वहीं का वहीं खड़ा है, साइंस की पूरी वाट लगा दी होती है, हीरो कैसे हूं करने से गाड़ी हवा में चली जाती है, क्या मतलब कुछ भी। साला इसी सिचुएशन में अचानक से कोई सो तो गाना शुरू हो जाएगा और अगल बगल खड़े वाले सब हीरो के जैसा सेम स्टेप करके नाच रहे होते साला, हो। किसी भी टाइम पे गाने बजा देते, आठ आठ गाने एक एक मूवी में। सबसे शर्मनाक बात, साला हीरो 50-55 साल का होता है और हीरोइन होती है 25 की, ये कहाँ का कॉम्बिनेशन है बे? एक बात बताऊं, इनके ना आधे अधूरे गाने तो ऑलरेडी चुराए हुए होते और वो जो बनाते हैं ना तो इस प्रकार से आलसी बनाते हैं, फोटो को सीने से यार चिपका ले से या फेविकॉल। कमाल है यार, तूने वो सुना था क्या, वो क्या लिरिक्स था, वो कागारे कागा मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मास। ये तो रॉकस्टार मूवी का गाना है, वो बहुत हिट हुआ था, नादान परिंदे घर आ जाए ऐसा कुछ तो गाना था ये। अभी वो छोड़, इसका मीनिंग पता है तेरे को? इसका मीनिंग है जब मैं मर जाऊं तो ये कौवे तू आ और मेरा मांस जो है वो नोच नोच के खा, ये मीनिंग है उस गाने का, कागा रे कागा मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस, जैसे चिलकवे खाते हैं ना मुर्दे के, उस प्रकार से ऐसे तो लिरिक्स लिखते हैं भाई ये। भगवान, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, ऐसा मीनिंग है साला इसका? अगर मान लो किसी ने अच्छी फिल्म बना भी ली जैसे दृश्यम वगैरह है, लोग उसको नहीं देखेंगे, भाईजान की फिल्म लगी है उस पे ही जाएंगे, शायद फिर उसमें फिर से दबंगगिरी क्यों ना हो। साला इनसे अच्छे तो टॉलीवुड वाले हैं जिन्होंने वो बाहुबली मूवी बनाई। यार दादा साहब फालके भी, जिन्होंने अपनी लाइफ पूरी इंडियन सिनेमा का दिए दे दी है और उन्हीं की वजह से इंडियन सिनेमा खड़ा है। और हाँ यार, ये मूवी के नाम पे मतलब कुछ भी, छोड़ो हमें क्या है, भाड़ में जाए साला। तूने नेटफ्लिक्स पे देखा क्या वो मनी हाई स्कूल की सीरीज? मेरे पास है, ले ले, एक नंबर है, देख खुश रहे, ये बॉलीवुड को छोड़ दे अपने जगह पे। साला एक बात बताना चाहूंगा, जब भी देश पे संकट आता है ना सबसे आगे अक्षय कुमार ही होता है डोनेट करने में, बाकी के पता नहीं कहाँ छिप जाते हैं, जिनकी मूवी हजारों करोड़ में कमाती है वो कभी दिखते नहीं। चलो भाई, तूने कुछ डोनेट किया पीएम केयर्स में? हाँ, मैं तो कर रहा हूँ इसलिए तुझे बताया कि तू भी कर दे, अगर किया नहीं है तो मुझे पता है तू किया होगा। आज का मैसेज ये है दोस्तों कि पीएम केयर्स के फंड के बैंक अकाउंट में आपसे जितना भी हो उतना, एक रुपये से लेकर हज़ार रुपये तक आप जितना भी दे सकते हो, मिनिमम से मैक्सिमम अमाउंट थोड़ी सी उसमें डोनेट कर दो ताकि इस कोरोना के संकट से देश को जल्दी से जल्दी बचाया जा सके। आज के लिए इतना ही, हरी जंक्शन को ट्यून करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद जय भारत।